हेलो दोस्तों, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों मैं आज आपको श्री जी साउंड आपको तमन्ना साउंड बोर्ड की तरफ से क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं और क्या क्या उनकी हिदायतें दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कृपया हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पर बने रहें। चलिए तो आपको बताते हैं कि साइन बोर्ड की तरफ से आपके लिए क्या क्या हिदायतें दी गई है। सबसे पहले साइन बोर्ड की तरफ से एक कॉल दिया गया है। चप्पलों में ना आए, रास्ते में किसी भी शॉर्ट कट का प्रयोग न करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ रास्ता पूर्णतः ख़राब है। और जो ट्रैक बनाया है उसी का इस्तेमाल करें, दूसरे ट्रैक का नहीं करें। अपनी संपूर्ण आगे वापसी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ न करें जिससे प्रदूषण हो या यात्रा क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित हो। राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध और ऐसा करना कानूनी दंडनीय है। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड के बारे में बताता हूँ। ये साइन बोर्ड बाबा अमरनाथ के लिए बनाया गया है। और दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ के मार्ग के बारे में। पहला है जम्मू पहलगाम पवित्र, दूसरा है जम्मू बालटाल पवित्र गुफा। मतलब यहाँ दो रास्ते हैं, एक बालटाल होके जाता है सोनमार्ग होके, दूसरा पहलगाम होके आता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके उपयुक्त हो उसी का प्रयोग करें। इसमें जम्मू पहलगाम पवित्र गुफा, जम्मू से पहलगाम 315 किलोमीटर दूर है। जम्मू से पहलगाम के बीच की दूरी टैक्सी बसों द्वारा पूरी की जा सकती है। जो पर्यटक स्वास्थ्य केंद्र जम्मू और कश्मीर सरकार रघुनाथ बाजार में सुबह सुबह ही उपलब्ध होती है। दूसरा विकल्प हवाई मार्ग से श्रीनगर जाना और फिर सड़क मार्ग से पहलगाम पहुंचना। पहलगाम पवित्र गुफा श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेदर और
नदियों के ऊंचे पहाड़ घाटी को चूमती हैं। ठहरने के लिए होटल उपलब्ध हैं। पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर ये मार्ग है। पहलगाम होल जाने पर आपको मुख्य मिलेंगे पहलगाम, चंदनवाड़ी, द पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी और पवित्र गुफा। दूसरा है बालटाल होके, बालटाल होके जाते हैं अपन। ये 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। एक तरफ केवल बहुत स्वस्थ लोग ही जा सकते हैं और 28 किलोमीटर चढ़ाई के बाद उसी दिन वापस आ सकते हैं। ये इसमें 14 14 28 की है इसी से, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई है, इसमें आम लोग नहीं जा सकते हैं, बच्चे बूढ़े नहीं जा सकते हैं, इसमें जवान युवा ही जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, उसों की सुविधा के लिए घोड़ों से भी जा सकते हैं। जय बाबा भरवानी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।